हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉरर फिल्म के बारे में जो भले ही एक सुपरनैचुरल हॉरर है, बट एट द सेम टाइम एक रियल लाइफ क्राइम स्टोरी से इंस्पायर्ड भी है। इस फिल्म का नाम है द ऑग्रेस, रिलीज्ड इन 2022। हम इस वीडियो में इस कहानी को एंजॉय करने के साथ साथ रियल स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे, जो शायद इससे भी ज़्यादा क्रीपी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत होती है दो छोटे बच्चों के साथ, जो जंगल के रास्ते साइकिलिंग कर रहे थे। खेल खेल में कुछ ज्यादा ही अंदर चले गए थे दोनों, और वहां पेड़ों के बीच उन्हें एक भयानक चीज नजर आती है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता एक्चुअल में ये है क्या। ऐसा घिनौना चीज वो लोग लाइफ में पहली बार जो देख रहे थे। ऐसे में अचानक उन्हें आसपास कहीं से एक बहुत ही क्रीपी आवाज भी सुनाई देने लगती है, जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। उन दोनों की और हिम्मत नहीं होती वहां रुकने की। वो लोग भागते हैं अपने अपने घर की तरफ और अपने पेरेंट्स से कहकर पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं। और जब पुलिस पूरे इलाके की तलाशी लेती है, उन्हें मिलती है एक बच्चे की लाश, वो भी सिर्फ 7 महीने के बच्चे की। लाश डिकम्पोज होना शुरू हो चुका था। इसका मतलब इसकी मौत जरूर 4-5 हफ्ते पहले हुई होगी। फॉरेंसिक से यह भी पता चलता है कि इसे स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया था। गले पे निशान क्लियरली विजिबल था, मगर एक 7 महीने के बच्चे से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। जॉन को भी यही सवाल परेशान कर रहा था। वो इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, एक्सपीरियंस्ड है, इससे पहले भी कई ग्रूसम केसेस को सॉल्व कर चुका है वो। मगर ये केस अलग था, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल केस था ही नहीं, बल्कि एक सीरियल किलिंग का हिस्सा था। असल में पिछले कुछ दिनों से इस इलाके से लगातार बच्चे गायब हो रहे थे। यंग बच्चे, कभी इन्फेंट तो कभी टॉडलर्स। बाद में किसी आइसोलेटेड प्लेस से उनकी लाशें मिल रही थी, और हर बार कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन ही मिल रहा था, बिल्कुल इस केस की तरह। पूरी पुलिस टीम मिलकर बहुत कोशिश कर रहे थे साइको किलर को ढूंढ निकालने की। हर पॉसिबल एंगल को ट्रैक किया जा रहा था, मगर हजारों कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था जैसे ये दहशत कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन इस रिसेंट केस में लाश के पास जॉन को एक रिसलेट मिलता है, जो उसे लगता है खूनी का हो सकता है, तो वो उसके जरिए कुछ पता लगाने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी उसे फेलियर के सिवा कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। फॉर्चुनेटली इस समय के अंदर और कोई बच्चा गायब नहीं होता। लोग भी धीरे धीरे इस केस को भूलने लगते हैं, मगर डिटेक्टिव जॉन नहीं। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वो आज भी उतना ही ऑब्सेस्ड है उस केस को लेकर जितना शुरुआत में थे। इसी बीच उन्हें एक नया केस भी मिलता है। उससे मिलने आता है एक डेविड नाम का बंदा। कहता है उसकी पत्नी एना मिसिंग है। कल रात दोनों एक साथ ही सोए थे, मगर आज सुबह जब वो उठा, एना घर में नहीं थी। उसके सारे सामान अभी भी घर में ही है, ना वो साथ कुछ लेकर गई है, ना उसने कोई नोट छोड़ा है। इट्स सो स्ट्रेंज, वो बिना डेविड को इन्फॉर्म किए कभी कहीं नहीं जाती। तो कल अचानक क्या हो गया? उनका कोई झगड़ा भी तो नहीं हुआ था? टेंशन में डेविड की हालत खराब हो चुकी थी, मगर उससे पूछताछ के दौरान जॉन को एक ऐसी चीज नजर आती है जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसे डेविड के हाथ पर एक रिसलेट दिखता है, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे 2 साल पहले उन्हें लास्ट क्राइम स्पॉट से मिला था। डेविड से पूछने पर वो बताता है ये उन्हें सिस्टर क्लेयर ने दिया है। इट्स अ सिंबल ऑफ न्यू लाइफ फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। कहीं ना कहीं जॉन को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। उसका मन कह रहा था कुछ तो कनेक्शन जरूर है। तो वो डेविड को डिटेल्स में सब कुछ बताने के लिए कहता है, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, भले ही उसे वो कितना ही नेग्लिजिबल क्यों ना लगे। डेविड बताना स्टार्ट करता है और पता चलता है सिस्टर क्लियर उनके कॉन्ग्रिगेशन की एक मेंबर है। 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी और तब से वो लोग दोस्त बन गए। स्पेशली एना तो उन्हें बहुत मानती है, घर में भी उनका आना जाना है। इनफैक्ट कल रात भी वो आई थी, एना ने बुलाई थी उन्हें।
एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से घर में उसे बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई और सुनाई दे रही थी। बहुत ही रेस्टलेस फील कर रही थी वो। डेविड को पहले लगा ये सब शायद स्ट्रेस के वजह से हो रहा है, क्योंकि इस साल का इस समय उनके लिए ऑलरेडी काफी डिप्रेसिंग रहता है। 5 साल पहले इसी समय उनकी बेटी खोज गई थी। उनके पूरे जिंदगी को ही बदल दिया था उस हादसे ने, डेविड को लगा वही कारण होगा। लेकिन इस बार मामला शायद कुछ और था। एना लगातार कंप्लेन कर रही थी, उसे इस घर में काफी नेगेटिव फील हो रहा था। फाइनली डेविड को भी लगने लगता है कि कहीं कुछ गलत है। उन्हें इस घर में शिफ्ट किए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, घर को ब्लेस करना भी बाकी था, क्या पता उसी के लिए यह सब हो रहा हो। तो मेनली इसीलिए सिस्टर क्लेयर को बुलाया गया था। मगर उस रात उन्हें आने में काफी देर हो जाती है, तब तक एना सो चुकी थी। तो क्लेयर को बैठने के लिए कहकर डेविड जाता है उसे बुलाने, मगर जब वो लौटता है क्लेयर वहां नहीं थी। एक मिरर के पास जाके पता नहीं क्या देख रही थी। जब डेविड उससे पूछता है वो कहती है उसके ग्रैनी के पास भी बहुत सारे एंटिक मिरर्स थे और वो ऑब्सेस्ड थी उन्हें लेकर। दिन के ज्यादातर समय उन्हीं के सामने बैठी रहती थी, ऐसे किसी का इंतजार कर रही हो। इसी बीच वहां एना आ जाती है और वो बात यहीं तक रुक जाती है। क्लेयर उनके लिए प्रेयर करती है, घर को ब्लेस करती है और जाने से पहले उन्हें ये रिस्लेट देकर निकल जाती है उनके बेटर फ्यूचर के लिए। क्लेयर के बातों से एना बहुत रिलैक्स्ड फील करने लगी थी, तो वो फिर से सोने चली जाती है और कुछ देर बाद डेविड भी। उसे यहीं तक पता है, तो वो जॉन को भी इतना ही बता पाता है। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था एना गई तो गई कहां और कैसे गई। घर तो अंदर से लॉक्ड था, सारे खिड़की दरवाजे भी लॉक्ड थे, उसने खुद चेक किया है। जॉन को ये सारे डिटेल्स बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने 2 साल पहले उन बच्चों के पेरेंट्स से भी यही सब सुना था। इन केसेस में इतने सारे सिमिलैरिटी है, तो हो सकता है कि खूनी भी सेम ही हो। तो वो डेविड को कुछ फोटोज दिखाता है उन लोगों के जो उन बच्चों के केस में प्राइम सस्पेक्ट्स थे, और डेविड उनमें से एक को पहचान भी लेता है। यही तो है सिस्टर क्लेयर, वो नन जिस पर एना ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है। मगर जॉन बताता है ये कोई रियल नन है ही नहीं, हो ना हो इन सारे मिसहैप्स के पीछे उसी का हाथ है। जॉन को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिल चुका था, मगर अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि पिछले सारे केसेस में इस किडनैपर या फिर खूनी का टारगेट कोई बच्चा रहा है, तो अचानक उसने अभी एक अडल्ट को क्यों गायब किया। इसका जवाब भी उसे डेविड के बातों से ही मिल जाता है जब वो रिवील करता है एना प्रेग्नेंट है, बट ओनली 6 वीक्स। और इस बारे में उनके करीबी कुछ लोगों को ही सिर्फ पता था, जिनमें से क्लेयर भी थी। इस रिविलेशन से जॉन को अपना फर्स्ट ब्रेक थ्रू तो मिल जाता है, लेकिन डेविड उसके बातों से और ज्यादा घबरा जाता है। अगर वो जो कह रहा है वो सच है, तो क्या इसका मतलब एना की हालत में उन बच्चों जैसी होगी, वो कभी जिंदा वापस नहीं आएगी। डिटेक्टिव जॉन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, ना वो उसे अश्योर कर पाता है। पिछले 2 सालों से वो इस केस को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, अब जब उसे इतना बड़ा क्लू मिला है तो मोटिव मैच नहीं कर रहा। आखिर ये खूनी जाता क्या है और वो इतना अच्छे से खुद को हाइड कैसे कर पाता है? क्या कोई इंसान इतना ट्रस्टलेस हो सकता है भला? जॉन बहुत कोशिश करता है सब कुछ लॉजिकली सोचने की, मगर शायद कुछ चीजें लॉजिक और एक्सप्लेनेशन से ऊपर होते हैं। फाइनली उसे यह मानना ही पड़ता है, और अपने इस न्यू रिसर्च के दौरान उसके हाथ लगता है एक ऐसा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जिससे उसके सारे जवाब मिल जाते हैं। उसे जानने मिलता है दी ओक्रस के बारे में। ओक्रस एक फीमेल डार्क एंटिटी है जो जिंदा रहने के लिए छोटे बच्चों की लाइफ फोर्स सक करती है। उसका बस एक ही मकसद है, इंसान बनना, और उसके लिए उसे चाहिए एक ऐसी औरत जिसकी सोल प्योर हो और जो माँ बनने वाली हो। सारे के सारे डिटेल्स 100% मैच कर रहा था। जॉन यकीन करे या ना करे, यही असली मामला था। और जब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कल रात एना के साथ असल में क्या हुआ था, तो भी यही बात साबित हो जाती है। पता चलता है कल रात
3 बजते ही घर में फिर से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी थी। बच्चों की रोने की आवाज से पूरा घर गूंज उठा था। साथ में फ्लोरबोर्ड्स की क्रैकिंग, किसी के फुटस्टेप्स की आवाज, किसी के खुसफुसाने की आवाज भी। इस सब से यही लग रहा था कि घर में और भी कोई है। इवन उनके बेडरूम में एक चेयर भी अपने आप ही हिलने लगा था, ऐसे उस पर कोई बैठा हो, और एक साया भी मंडराने लगा था। एना जरूर इन्हीं आवाजों के बारे में बोल रही थी, जो इस बार भी सिर्फ उसे ही सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। उसकी आंखें तो खुली थी, मगर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुले आंखों से भी सपना देख रही है। एक्चुअली हिप्नोटाइज्ड थी वो। अचानक वो अपनी उंगली से वेडिंग रिंग निकालकर रख देती है और उसके बाद उठकर चलना शुरू करती है। कमरे का दरवाजा भी अपने आप ही खुल जाता है। रेडियो पे गाना बजने लगता है। एना जाके रुकती है उसी आईने के सामने जिसके सामने कुछ घंटे पहले क्लियर खड़ी थी। तब कुछ बिरबिरा रही थी वो। अभी उस आईने से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है और साथ में रेडियो पे वो आवाज भी धीरे धीरे भारी होने लगती है। गाने की जगह अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी आवाज में चैंटिंग कर रही हो। जैसे ही वो क्रीपी वर्ड्स एना के कान में जा पहुंचती है, एना वहां से गायब हो जाती है, घुस जाती है उस आईने के अंदर और पहुंच जाती है किसी दूसरी दुनिया में। घने जंगल के अंदर एक बहुत बड़े पेड़ के सामने जहां इतना अंधेरा था कि एना को लगता है शायद उसकी आंखें ही खराब हो चुकी है। तभी उसे एक भयानक चीख सुनाई देती है। फर्स्ट सीन में उन दोनों बच्चों को जैसे सुनाई दी थी, बिल्कुल वैसी ही। डर से एना भी भागना शुरू कर देती है, मगर ज्यादा दूर जा नहीं पाती वो। कुछ देर बाद ही अंधेरे से एक क्रीपी फिगर निकल आते हुए दिखता है उसे, जो देखने में बिल्कुल उस पिक्चर की तरह था। यही तो है दी ऑक्रेस, क्लियर का असली रूप। वो धुएं का रूप लेकर घुस जाता है एना के शरीर में और एना बन जाती है द न्यू ऑक्रेस। किसी को पता नहीं चलता अभी उसे भी क्लियर की ही तरह बच्चों का शिकार करके अपनी भूख मिटानी पड़ेगी और फिर से शुरू होगा बच्चों के गायब होने का सिलसिला। क्या जॉन इस बार इस केस को सॉल्व कर पाएगा? गॉड नोस, क्योंकि जिसे वो ढूंढ रहा है, जिसे वो गुनहगार समझता है, वो क्लियर, वो तो और एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये स्टोरी असल में दी नोटोरियस विक्टोरियन सीरियल किलर अमेलिया डार के बारे में है। उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। बहुत सारे हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा था उसे। तो बड़े होने के बाद जब उसने नर्सिंग परस्यू करी, तो लोगों को क्योर करने की जगह उसने अपने फायदे के बारे में सोचा। उसने एक बेबी फर्म ओपन किया। उस समय यानी कि 1860 के आसपास ये प्रैक्टिस काफी कॉमन था। तब एक लॉ पास हुआ था जिसमें अगर कोई अनमैरिड लड़की प्रेग्नेंट हो पड़ती थी, तो उस बच्चे की देख रेख करने के लिए उसके पिता फिनेंशियली अप्लाइज नहीं रहते थे। उधर बिन बिहाई माँ को भी काम करने का मौका नहीं मिलता था। ऐसे में ऐसे फार्म्स बहुत काम आते थे। कुछ पैसों के बदले में बच्चों को एक ठिकाना मिल जाता था जहां से कोई और चाइल्डलेस कपल उन्हें अडॉप्ट कर सकते थे। अमेलिया को यह बिजनेस प्रॉफिटेबल लगा, तो उसने भी शुरू कर दिया। उसे भी कई सारे बच्चे मिले और अमेलिया ने इन्हें बिजनेस की तरह ट्रीट करना शुरू करी। वो मैक्सिमम समय बच्चों को स्टार्व किया करती थी, कभी ड्रग्स देती थी जिससे सभी जल्दी मर जाए और वो नए बच्चों को ले सके। जो ऐसे नहीं मरते थे वो उन्हें अपने हाथों से स्ट्रैंगुलेट किया करती थी। बढ़िया चल रहा था उसका बिजनेस। समाज की हालत ऐसी थी कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, फॉस्टरिंग के नाम पे किस नरक में धकेला जा रहा है उन्हें। ऑलमोस्ट 30 साल तक अमेलिया किसी प्रॉब्लम के बिना ही यह बिजनेस करती रही। एक एक बच्चे के लिए वो 10 पाउंड से लेकर 80 पाउंड तक चार्ज किया करती थी, मगर जो बच्चा उसके हाथ में जाता था उसे बस कुछ दिनों की ही जिंदगी नसीब होती थी, कुछ केस में सिर्फ कुछ घंटे की, क्योंकि वो तो उन्हें लाती ही थी सिर्फ मारने के लिए। मगर उसके बाद एक दिन एक डॉक्टर को शक हो गया, इतने बच्चे एक साथ कैसे बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने केस किया और अमेलिया को 6 महीने की सजा मिली, वो भी सिर्फ नेगलेक्ट के जुर्म में। उसकी असली इंटेंशन तब भी हिडन ही रही।
जेल से निकलने के बाद उसने फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया, अलग जगह अलग आइडेंटिटी के साथ। ब्रिस्टल से रीडिंग शहर में आकर रहना शुरू कर दिया उसने। सेफ्टी के लिए इस बार वो सारा काम खुद ही करने लगी, क्योंकि उसे पता चल चुका था बाहर के लोग इन्वॉल्व्ड होने से खतरा बढ़ सकता है। इवन वो बॉडीज को भी खुद ही डिस्पोज करने लगी थेम्स नदी में फेंक कर। यहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती करी। उसे लग रहा था कि वो सारे सेफ्टी प्रिकॉशन मेंटेन कर रही है, लेकिन नहीं। ऑन 30 मार्च 1896 पुलिस को उसी नदी में से एक पैकेज मिला जिसे पत्थर से बांध के नदी में फेंका गया था। उसके अंदर बहुत सारे फालतू चीजों के बीच एक बच्चे की लाश भी मिली जो डिकम्पोज होना शुरू हो चुका था। ध्यान से देखने पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता चला उस पैकेज पर एक नाम और एक एड्रेस लिखा है। ये अमेलिया का प्रीवियस एड्रेस था। वहां जाकर पूछताछ करने पर पुलिस को उसकी न्यू एड्रेस भी मिल गई। उसके अगेंस्ट फिर से एक नया केस शुरू हुआ। घर में तलाशी ली गई। घर में भले उन्हें और कोई लाश नहीं मिली, मगर पूरा घर ही रॉटन फ्लैश स्मेल से भरा हुआ था। ढूंढने पर उन्हें एग्जैक्टली वही वाइट टेप भी मिला जैसा उस बच्चे के गले में था। इसके बाद और भी 6 लाशें मिली उसी नदी से। हर एक के गले पे वही वाइट टेप था। अमेलिया को अरेस्ट किया गया। अल्टीमेटली केस शुरू हुआ और उसे सजा भी मिली, फांसी की। भले ही उसने खुद को बचाने के लिए खुद को पागल साबित करने की कोशिश भी करी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसे जुर्म कबूल करना ही पड़ा। ऑन 10th जून 1896 उसे हैंग किया गया, वो भी मिरर्स के सामने, जिसे मरते वक्त भी वो खुद को देख सके, वो दर्द फील कर सके। भले ही उसे सजा सिर्फ एक के कारण मिली, मगर उसके प्रैक्टिस के टाइमलाइन को देखते हुए पुलिस ये दावा करती है कि अमेलिया डाया ने बेबी फार्मिंग के नाम पे एटलीस्ट 400 बच्चों का खून किया था। उस टाइम पीरियड में एक लेडी खूनी है, वो भी उसके जैसे अच्छे घराने की, ये सबके लिए ही यकीन करना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से जब उसका खून करने का तरीका सामने आया, तब सबका होश ही उड़ गया। खुद एक माँ होकर वो ऐसा कैसे कर पाई, सबके दिल में यही सवाल था। इस केस को इतना हाईलाइट किया गया कि अमेलिया फेमस हो गई द ओग्रेस ऑफ रीडिंग के नाम से। ये कहानी उसी स्टोरी से इंस्पायर्ड है। कहानी अच्छी है नो डाउट, लेकिन रियलिटी उससे कई ज्यादा डरावनी लगी मुझे, है ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।